हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो है आम के अचार के बारे में। तो मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उनका कमेंट आया हुआ था और मेरे आम के अचार की वीडियो के नीचे खास करके मैंने वो वीडियो बनाई है कि आम का अचार अगर ख़राब होने लगे तो क्या करें, या फिर अचार ख़राब होने लगे तो क्या किया जाए। उस वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं कि मैडम, हमारा आम का अचार जो है काफ़ी कड़ा हो चुका है, उसके लिए क्या किया जाए। तो यदि आपके साथ भी ये समस्या हुई है, आपने भी आम का अचार बनाया है और आम का अचार आपका कड़ा हो चुका है, तो उसके लिए आप एक ट्रिक यूज़ कर सकती हैं। आप अपने आम के अचार में सिरका डाल दीजिए। सिरका कोई सा भी आप डाल सकती हैं। अगर होममेड आपके पास गन्ने का सिरका है तो बहुत ही अच्छा है, वो ज़्यादा मात्रा में डाल देंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप कोई सा भी बाज़ार से मंगा के डाल सकती हैं, या फिर कोई सा भी आपके घर पे सिरका हो तो उसे भी आप डाल सकती हैं। बाज़ार का वाइट विनेगर भी लाकर डाल सकती हैं। तो सिरके की मात्रा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आपके पास एक किलो अचार है तो एक किलो अचार में एक से दो ढक्कन ही सिरका डालना है, उससे ज़्यादा सिरका नहीं डालना है। अगर होममेड गन्ने का सिरका है तो आप उसको बढ़ा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूज़न ये भी थे कि क्या सिरका डालने से हमारा आम का अचार ख़राब हो जाएगा, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। सिरका खुद एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है और बाज़ार वाले भी सिरका डालते हैं, इसीलिए कम तेल में अचार बनाते हैं, तभी उनका अचार सुरक्षित रहता है। और अगर आपके अचार में तेल कम है तो थोड़ा सा तेल भी बढ़ा दीजिए, ऊपर तक तेल डाल दीजिए। मुश्किल से 15 दिन या फिर एक महीने लगेंगे, आपका आम का अचार जो है थोड़ा सा नरम हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा सूख चुका है, एकदम उसका गूदा और उसकी जो गुठली है एक में चिपक गए हैं एकदम से, ऐसा अगर बहुत ज़्यादा सूख चुका है तब आम के अचार को गलाने में दिक्कत आती है। वो सिरका डालने के बाद भी कभी कभी नहीं गलता है। तो ऐसा अगर आपके साथ हो जाता है तो आप उस अचार को फेंकिए मत, निराश मत होइए। उसमें के मसाले आप निकाल लीजिए, उसमें के मसाले आप भरता में यूज़ कर सकती हैं, या फिर सत्तू की घाटी वगैरह बनाते हैं उसमें भी ये आम का अचार का जो मसाला डालते हैं तो काफ़ी टेस्टी बन के तैयार होता है। या फिर आप उसे किसी भी पराठे वगैरह में भी डाल के बना सकती हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है अचार के मसाले का। तो मसाले तो बिल्कुल भी आपके ख़राब नहीं होंगे, मसाले निकाल के एक साइड में रख लीजिए। और जो तेल है उस तेल से भी आप चाहें तो सब्जी वगैरह भून सकती हैं हल्की कोई भी, या फिर भरते वगैरह में उस तेल का इस्तेमाल कर लीजिए। क्योंकि हम लोग जब भी चोखा वगैरह बनाते हैं, आलू का बैंगन का चोखा बनाते हैं, तो अचार का तेल उसमें डालते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो तेल भी आपको नहीं फेंकना पड़ेगा। और बाकी जो बच गई आपकी गुठली, तो गुठली के लिए भी मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ, उसे भी आपको नहीं फेंकना है। अगर आपको चटनी वगैरह बनानी है, उसे आम की चटनी वगैरह बनानी है, अचार की कभी कभी हम लोग घर में चटनी बनाते हैं, तो वो तो काफ़ी सूखी हुई है, क्या करिए कि पानी थोड़ा सा रख दीजिए गैस पे गर्म होने के लिए। और जैसे ही पानी हल्का गर्म हो जाए तो जितने गुठली की आपको, जितने आम की जो फांकियां हैं उसकी आपकी चटनी बनानी है, तो 4-5 फांकियां उस गर्म पानी में डाल दीजिए, वो हल्की सी नरम हो जाएगी। और उसको निकाल के फिर उसमें लहसुन मिर्चा धनिया वगैरह डाल के, पुदीना वगैरह डाल के आप प्यारी सी चटनी बना सकती हैं, काफ़ी टेस्टी लगती है उसकी चटनी। और अगर आप चटनी भी नहीं बना पा रही हैं, चटनी भी नहीं उसकी बन पा रही है, तो सबसे अच्छा काम है, जब भी हम लोग छोला वगैरह बनाते हैं तो हमें अमचूर पाउडर की आवश्यकता पड़ती है, तो चने उबालते समय जो गुठलियाँ आम की आपने निकाल के रखी हैं उनको क्या करिए कि कुकर में डाल दीजिए चने के साथ उबलने के लिए। अच्छी तरह से उसका खट्टापन चने में उतर जाएगा और आपका वो जो आम का अचार है वो भी ख़राब नहीं होगा। इस तरह से आप अपने आम, ख़राब हुए आम के अचार को भी इस्तेमाल कर सकती हैं, उसे बिल्कुल भी ना फेंकिए। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर किसी अगली नई रेसिपी या फिर ऐसी ही किसी छोटी सी टिप्स या ट्रिक्स के साथ। और सिरके वाली टिप्स को आप आजमा कर देखिए, अगर काम आएगी तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वो टिप्स आपको कैसी लगी।